की बुकिंग थी होस्टलर में। स्टार्ट करते हैं आज न्यू दिन, देखना कहाँ जाना है आज। मैंने बुकिंग, मेरी फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस में बताते चलूँ कैसा दिख रहा है अंदर से, जो होटल नेक्स्ट बुक किया है। तो होस्टलर अंदर से ऐसे दिखता है, दरवाज़ा यहाँ से ये वाला। अच्छा है, स्टे कर सकते हो अपने मतलब दोस्तों वोस्तों के साथ यहाँ पे, डॉर्मेट्री ले लियो। पर क्लीनिंग मान लो 3 स्टार ही है, अच्छी लगती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वो कितने स्टार में दे पाऊँ। तो स्वागत हो चुका है हमारा टिक्के और गले में पता नहीं माला के साथ। लेट आए थे हम 1 घंटा, तो अभी ये भी लेट हैं देने में रूम हमें। फिर उन्होंने कहा कि हम कंपनसेशन की जगह आपको अपग्रेड रूम देंगे, जो कि अब जाकर चेक करूं मैं कैसा होगा। अंदर से तो व्यू तो काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट टाइम है मेरा, और मुझे लगता है कि एक बार एक्सपीरियंस सबको करना चाहिए। चुभते हैं पैसे देना, यहाँ पे महंगा होता है, पर चलो लाइफ में एक बार तो कर ही सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट दिखाऊँ आपको रूम का व्यू। अभी स्वागत में हमें इन्होंने आइस टी पिलाई, वेट करने के लिए बोला है 10 से 15 मिनट, उसके बाद रूम में जाएंगे। तो सुनो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जैसे इन्होंने डिले तो कर दिया रूम देने में, फिर अब बेचारे आके स्टाफ हमें बोल तो रहा है कि ये सर्विस ले लो वो ले लो। अब उन्होंने हमें कॉफ़ी दी है, हमें वैसे डर है कि कल पैसे ना मांग लें इस चीज़ के कि कॉफ़ी दी थी, बट मेरे को लड़ना आता है, बहस भी कर लूँ मैं अच्छे से उनसे कि क्यों हमने तो नहीं मांगा था, तुम आए थे देने के लिए। ये पियेंगे और वेट करेंगे। 1 घंटा मुझे लगता है डिले कर दिया इन्होंने रूम देने में, और मोस्टली मुझे लगता है 5 स्टार में ऐसी हरकतें हो ही जाती हैं टाइमिंग्स को लेके। पहले भी रेडिसन में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा था, मज़ा ख़राब हो जाता है ना जब स्टार्टिंग ऐसे रही ट्रिप की। नेक्स्ट देखते हैं रूम कितना हमें खुश कर पाता। बाथरूम से दिखाऊं आपको कि यहाँ से दिखाऊं? चलो रूम से दिखाते हैं। तो ये लिविंग एरिया है इनका, सूट मान सकते हो ताज का। देखने में तो यार ऐसे स्टूडियो रूम से भी बड़ा सा रूम है, मन ही नहीं कर रहा कि बाहर भी जाएं। पर स्विमिंग पूल भी मैं दिखाऊं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और वहाँ से ईस्ट वाली साइड से हमें गाड़ी लेने आई थी वेस्ट छोड़ने के लिए। तो कल भी कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री वो एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ दे देंगे, क्योंकि शायद उनका कसूर था 1 घंटा वो लेट थे। चलो रूम देख लो, व्यू दिखा देते हैं। ये बेस्ट चीज़ है, एयरपोर्ट बिल्कुल सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मान लो। झंडा हमारा इंडिया का, वैसे मैं काली शक्ल आ रही है। ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ इन्होंने, इस सूट में खा सकते हो। टीवी भी अच्छा है इनबिल्ट, मोस्टली हर 5 स्टार नहीं देता, रेडिसन का तो एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। फिर इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ये दिया हुआ है, ये जाते हुए मैंने ना ऑस्ट्रेलिया उठा के ले देने हैं, ठीक है। वाइन दी हुई है, फ्रूट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये शायद फ्रिज जो इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पे, ये मिनी बार, वो 4 GB वाला है, तो उसकी प्राइसेस वहाँ पे लिखी हुई। चलो ख़त्म ही नहीं हो रहा भैया। और टीवी जैसे कि आप देख सकते थे बाहर भी था, यहाँ भी रखा है रूम के लिए अलग टीवी। बेड तो आप देख ही सकते हो भाई, ऐसा लग रहा है किसी ने उंगली भी नहीं लगाई है कभी। ये मुझे लगता है कि वॉश नहीं करवाते होंगे, न्यू ही खरीद के लेके आते हैं ये किसी को। अच्छा, मुंह के आगे टीवी देखने की। फिर अब वॉशरूम दिखाते हैं जो बड़ा बेस्ट लगा, इतना बड़ा है ना, 2 लोग इधर कर सकते हैं अपना अपना, ठीक है। ये 5x मेरा मुँह एनलार्ज करने के लिए आ गया, मैं दिखाऊँ। चलो अब बात अब दिया हुआ,
ये सेपरेट है नहाने वाला, फ्लश वाला सेपरेट, ठीक है। फिर आ गया ये, यहाँ पे आप सजो, मतलब मुझे लगता नहीं है यहाँ से बाहर रहने की ज़रूरत किसी को पड़ेगी बैंगलोर देखने की, यही बैंगलोर है भैया, यही है। फिर अलमीरा में अच्छा छाता वाता भी दिए हुए हैं, आयरन करने के लिए दिया है, जैसे कि देख सकते हो एकदम फ्रेश सा दिया हुआ है। बाकी जगहों में इतनी क्वालिटी नहीं दिखाते हैं ना देते हैं। बाकी सेफ सा है, लॉन्ड्री के लिए बैग्स हैं, लॉकर दिया हुआ है, पर अंदर कुछ दिया नहीं है उन्होंने। मैंने सोचा बस सोना वगैरह छोड़ गया होगा तो मैं ले। ये कौन सा बैग है? ये हम ले जाएंगे लिफाफा ना, जूते वूते डाल के ऑस्ट्रेलिया। इस पे ताज भी नहीं लिखा पागल ने। ये चप्पलें भी हैं दी हुई, तीन चप्पलें दे दी हैं नहाने के लिए, ये भी अच्छी क्वालिटी की हैं, सील्ड है एकदम, पानी लेते हैं। हाँ सॉफ्ट सी है। चलो ये है सफर हमारा रूम का, ताज का। वो दरवाजे तो खुला छोड़ दिया कोई आगे बातें सुन लेगा हमारी। चलो अब हम स्विमिंग पूल का बाद में दिखाएंगे जब जाएंगे। स्विमिंग पूल एरिया में पहुंच चुके हैं। अब ये है स्विमिंग पूल, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर सही है। मोस्टली तो अंग्रेज़ ही आए पड़े हुए हैं यहाँ, सिगार पी रहे हैं पता नहीं क्या क्या। मज़ा आ रहा है वैसे। स्विमिंग तो मैंने कर ली है, मौत मुझे पड़ रही है थोड़ी सी स्विमिंग की। बहुत ठंड है यार, ठंडा ठंडा लग गया मेरे को। सनसेट हो रहा है शायद इसलिए सूरज दिख रहा होगा, पर बहुत ठंड है यार। ताज का सफ़र सुहाना रहा, बेंगलोर का टर्मिनल टू एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने झूमर लगाकर। अंदर का एयरपोर्ट ऐसा दिखता है, गजब का बना दिया भैया। दिल्ली वालों को भी कुछ सीखना चाहिए। देखो जी मतलब देख के ऐसे मज़ा ऐसा आ रहा है, कितना बड़ा बन गया यार इंडिया में। इसमें मैं शेयर करूं, काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं चेकिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो जब मैंने लैंड करना था बेंगलोर में, तो मेरी चेकिंग में कुछ इशू नहीं आया था नॉर्मली, फीमेल वाली साइड से आ जाओ कहीं से भी जाओ। बट अभी आते हुए कुछ नहीं थी नॉलेज उन लोगों को, उन्होंने काफ़ी बोला आईडी चेक करवा दो, फिर जाके उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि अच्छा ठीक है हम आपको टच नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से चेक करेंगे। और उसके लिए लेटर लिखवाई गई, और मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि बेंगलोर इस चीज़ में ऐसा पंगा करेगा। बाद में काफ़ी आगे थे पुलिस वाले, तो उन्होंने मेरे को बोला बताओ हमें क्या मतलब चल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आता तो थोड़ा समझा दो। तो मैंने अच्छे से समझाया, कहते देखो आप हमें सिखाओगे तो नेक्स्ट टाइम बाकियों को इशू नहीं होगा आने में। तो अच्छी बात है कि अगर मेरी तरफ से अवेयरनेस आती है हर एक स्टेट में, तो आप सबके लिए आगे ईजी हो जाएगा ट्रैवल करना इंटरनेशनली। फिर उसके बाद वो काफ़ी हंस रहे थे ऐसे मजाक करके कि चलो ठीक है जाओ जाओ। फिर टच फ्री उन्होंने मेरी चेकिंग कर दी, और मैंने इजीली आ लिया कि मेरे को भाई कोई भी टच ही मत करो। चलो बाकी एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। बस ये है कि कभी डरना नहीं चाहिए, ऐसे डटे रहो, जो आईडीज हैं उस पर भी डटे रहो, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उसके ऊपर भी तुम अच्छे से बात करो। क्योंकि लोग नहीं पूछ सकते ना कि ये क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, उनको अच्छे से समझाओगे दिखाओगे प्रूफ्स रखोगे तो कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, और उन्हीं को सॉरी बोल के भेजना पड़ता है। चलो गेट एरिया देख लो वही, फ्लाइट जाने से पहले एकदम चमक सा रहा है।